आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा मंच जहां बात करते हैं हम प्रगतिशील राजनीति की, सामाजिक समस्याओं की और सामाजिक विकास की। इन तमाम चीजों पर चर्चा करने के साथ साथ आज हमारे बीच मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री रुपेश कुमार वर्मा जी। अब उनसे जानेंगे कि विकास कार्य और एक अच्छी दिशा किस तरीके से निर्धारित की जाती है। ये रुपेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत है आईपा की इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जी आप जी हम जी बिल्कुल अपना वक्त देने के लिए एक शुरुआत करते हैं। आप विकास कार्य जिले, जो कि आप जिला मंत्री हैं, जिले के विकास कार्य को लेकर अपनी दिनचर्या किस तरीके से शुरुआत करते हैं? जी भाई साहब, देखिए जब से मैं राजनीति में आया मेरा एक ही मकसद था कि समाज में फैला भ्रष्टाचार को मिटाना। और जब मैं दिन की अपनी शुरुआत करता हूँ, सबसे पहले हमारे आसपास के क्षेत्र के जो भी लोग हैं उनके जो भी समस्याएं हैं उनका पूरा समाधान करने का प्रयास करते हैं कि उनको पूरा समाधान मिल सके। जी, और जो आपके पास पड़ोस के लोग हैं उनसे क्या आशाएं और उनके वादों पर, उनकी बातों पर कितना खरा उतरते हैं आप? वादों की बात अगर करें तो वादा हम वही करते हैं जो हम निभा सके। वादों के लिए हमने सबसे पहले हमारे आसपास क्षेत्र में जितनी भी जन समस्याएं होती हैं उनका निस्तारण करने का पूरा प्रयास करते हैं, चाहे वो प्रशासनिक दृष्टि से हो चाहे वो शासन की दृष्टि से हो, उनका पूरा समाधान करने का प्रयास करते हैं। आप विकास कार्य से कितना संतुष्ट हैं और अपने जनपद में कितना विकास कार्य चाहते हैं? हमारे यहाँ शाहजहांपुर 135 नगर विधानसभा लगती है जी। माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी वहां से नगर विधायक हैं और लगातार 8 बार यहाँ विधायक रह चुके हैं। विकास उन्होंने किया है और लगातार कर रहे हैं। जब से हमारा महानगर बना है शाहजहांपुर, और ही ज्यादा, बहुत ज्यादा विकास बढ़ गया है। बचे हुए जो काम है वो आने वाले समय में पूरे होंगे और लगातार हमारा शहर जो है आगे बढ़ रहा है। हम माननीय खन्ना जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे शाहजहांपुर को महानगर बनाने का प्रयास किया और आज हम महानगर में रह रहे हैं। हम इस बात को गौरवान्वित महसूस करते हैं। अच्छा, एक मोटी सी बात कर ली जाए, आपके जनपद में अभी तक कितना विकास हो चुका है और आगे कहाँ तक करवाएंगे? ये तो देखिए माननीय मंत्री जी जब से हमारे यहाँ मंत्री बने हैं इस उत्तर प्रदेश में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, निश्चित तौर पर विकास लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चाहे वो आम जनमानस की बात हो चाहे वो किसी भी तरीके से हो, हर तरीके से मंत्री जी लगातार विकास की ही बात करते हैं और इसी दम पे वो लगातार 8 बार विजयी हुए हैं। और बचा हुआ जो काम है मंत्री जी कह रहे हैं वो भी जल्द से जल्द उसे पूरा करेंगे और शाहजहांपुर हमारा उत्तर प्रदेश में नंबर 1 जिला बनेगा। अच्छा, विकास के साथ साथ एक बात और हम पूछ लेते हैं कि विकास कार्य को लेकर एक निचले स्तर से लेकर एक गरीब से लेकर एक अमीर तक कैसा मॉडल और क्या विशेषताएं होती हैं, क्या सुविधाएं आप प्रोवाइड करवाएंगे? देखिए अभी तक हमारे यहाँ जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, निश्चित तौर पर प्रदेश में बिना किसी जातवाद के, बिना किसी भेदभाव के, आम जनमानस के हित की ही बात करी है माननीय योगी जी ने, हमारे यहाँ शाहजहांपुर जिले में माननीय खन्ना जी ने, लगातार आम जनमानस के भले के लिए ही बात कर रहे हैं। जिसमें चाहे आप देखिए किसान सम्मान निधि हो, सभी को दी जा रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी को जितना भी दिया गया है, जो भी सुविधा योजनाओं के माध्यम से दी जा रही है आम जनमानस के भले के लिए ही दी जा रही है। अच्छा, एक और सवाल है, देश की जो राजनीति है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? अगर बदलाव चाहते हैं तो क्या चाहते हैं? देखिए देश की बागडोर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। बिल्कुल, और नरेंद्र मोदी जी ऐसे नेता हैं, पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व उनकी लोकप्रियता से, मतलब कहते हैं कि बहुत ही मजबूत नेता, जैसा होना चाहिए हमारा वैसा नेता है। तो देश की जो बागडोर है एक अच्छे हाथों में है और देश लगातार हमारा उन्नति कर रहा है। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो लगातार देश की उन्नति के लिए, विकास के लिए, हमारे आम जनमानस की रक्षा के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, और गुंडागर्दी जो थी वो बिल्कुल आज खत्म हो चुकी है। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गुंडागर्दी की बात आ गई रुपेश जी, यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा, गुंडागर्दी जो लोग इस चीज से, इस कैटेगरी में आते हैं गुंडागर्दी, अपना दबाव बनाते, उनके लिए क्या संदेश हमारी मंच से देना चाहते हैं?
देखिए जब से हमारी देश में चाहे 2014 से 2017 से 2019 से जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और 2017 में जब से योगी जी की सरकार बनी है भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी में बिल्कुल लगाम लगा दी है। अच्छा, और एक राजनीति से जुड़ी बात है, हर दल अपने आप को लोकतांत्रिक कहता है, क्या वास्तव में है? देखिए हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसमें किसी को भी आज जातवाद की पार्टी नहीं है, आम व्यक्ति भी कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। देखिए आज हमारे योगी जी आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सुरेश कुमार खन्ना जी हमारे यहाँ से मंत्री हैं, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर यहाँ पे तो जातवाद की पार्टी है ही नहीं, परिवारवाद की पार्टी नहीं है, और लोकतांत्रिक पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी ही एक लोकतांत्रिक पार्टी है। अच्छा, जो कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 आ चुका है, जनता के द्वारा एक ईमानदार प्रत्याशी चुना जाता है और जीत भी जाता है, जी वो अगर अपने वादों पे खरा नहीं उतरता है, इसके बारे में क्या राय है? देखिए जनता तो विश्वास करके ही विधानसभा में भेजती है बिल्कुल अपने प्रत्याशी को, और जनता को ये चाहिए कि जो हमारा नेता है या जो हमने जिसको जिताया है वो आम जनमानस के भले के लिए ही काम करे। लेकिन क्या होता है, क्या परिस्थितियां होती हैं, वो तो एक अलग विषय होता है भाई, है पता नहीं। बिल्कुल लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी हमारा प्रतिनिधि बने, जो भी हमारा चुन के विधानसभा जाए, वो जी जनता के हित के लिए ही काम करे, और अगर हम भी कहीं से बनते हैं प्रतिनिधि आने वाले समय में चुने जाएंगे तो बिल्कुल, निश्चित जनता के बीच में जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। अगर बात यहाँ पर प्रतिनिधि की कर ले जाए, जीत जाने के बाद जनता का कार्य अच्छा ना हो, उस तरीके से जो जिम्मेदारी दी जाए उससे वो आदमी भाग जाए, तो जनता को क्या करना चाहिए उसके प्रति? देखिए हमें और जनता को भी जागरूक इस बात के लिए होना चाहिए, हमें ऐसा प्रत्याशी चुनना चाहिए जो आम जनमानस के भले के लिए सोच सके। जैसे बिल्कुल होता क्या है, कभी कभी नौजवानों को राजनीति में भागीदारी बहुत बढ़ चढ़ के करनी चाहिए। नौजवान अगर देश का है और वो आगे बढ़ेगा तभी देखिए देश की बागडोर अच्छी होगी। और नौजवानों के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि नौजवानों के पास लंबा समय होता है, नया विजन होता है उनके पास है काम करने का, और नौजवान जो हमारा है देश का कहते नहीं है सबसे मजबूत स्तंभ है, बिल्कुल तो नौजवानों को देश की राजनीति में आगे आने चाहिए, जिससे कि हमारे यहाँ जो है और भ्रष्टाचार खत्म होगा और नौजवानों के प्रति जो है संवेदना बढ़ेगी। राजनीति की इस मंच से आपने बहुत ही कम उम्र में ये जो पद ले लिया और जिम्मेदारियां उठानी शुरू कर दी, अपनी सोच से शिक्षा, स्वास्थ्य और नौजवानों को किस दिशा में ले जाकर एक अच्छा स्टेटस मिल सके, उन नौजवानों के लिए क्या संदेश है आपका? देखिए आपने अच्छा क्वेश्चन किया है कि राजनीति में नौजवानों को अपने भागीदारी निभानी चाहिए, बिल्कुल और नौजवान हमारा आगे आएगा तभी देखिए हमारे देश की जो दिशा और दशा दोनों ही बदलेगी। बिल्कुल हम आपके मंच से नौजवानों को प्रेरित करते हैं कि वो राजनीति में आगे आए और देश की दशा और दिशा दोनों ही बदलें। बिल्कुल, और साथ ही जो आईपा का हमारा मंच है, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, इसके प्रति आप क्या विचार रखते हैं? आपका मंच, इसका हम स्वागत करते हैं कि आपने हम जैसे नौजवानों को आपके मंच पे आए और प्रेरित किया इस बात के लिए कि हम लोग भी राजनीति में आगे आके समाज में फैला जो भ्रष्टाचार है बिल्कुल उसको मिटाने का काम करें, और आपके मंच का हम धन्यवाद देते हैं कि आपके मंच ने आज हमको यहाँ बुलाया है। अच्छा, एक छोटा सा और आखिरी एक छोटा सा सवाल है अनु जी, कोई भी आपके पास परेशान हाल आता है गरीब, उसमें आप क्या रुचि रखते हैं, क्या उसकी चौखट पर कभी जाते हैं? देखिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि मेरी शुरुआत से ही इस बात के लिए थे, हम जब राजनीति में आए तो हमने ये सोचा था कि अगर कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति मेरे पास आता है तो उसकी मदद करना ही मेरा बहुत वो रहता है कि हर तरीके से किसी भी तरीके से उसकी मदद होनी चाहिए, तो हम उसकी मदद भी करते हैं और आखिरी दम तक जब तक उसकी मदद होने जाती है तब तक लगातार लगे रहते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि मेरे दरवाजे पर अगर कोई आया है तो हम उसकी पूरी मदद कर सकें। सुनने में ये भी आया है अनु जी कि जो यहाँ के महाविद्यालय हैं, डिग्री कॉलेजेज हैं, प्राइमरी लेवल से लेकर हाई स्टेटस तक जो भी महाविद्यालय हैं, उनमें आपकी बढ़ चढ़ के बहुत ही रुचि रही है, उन पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए
हम 2007 में जब हमने विद्यार्थी परिषद ज्वाइन करी थी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, तो कॉलेज अध्यक्ष से लेके सहनगर मंत्री, नगर मंत्री और विभिन्न दायित्वों पे रहना हुआ था। तो उस समय कॉलेज कैंपस में बहुत सी ऐसी समस्याएं थी जिनको हम लोगों ने उजागर किया और छात्रों के हित के लिए लगातार संघर्ष किया हम लोगों ने। तो सभी छात्रों से यही कहना चाहेंगे कि बढ़िया से पढ़े, मेहनत से पढ़े और आगे बढ़े, जिससे कि नौजवान जो अगर हमारा अगर जागरूक होगा, अगर शिक्षित होगा, तो निश्चित हमारा देश बहुत अच्छी दिशा में आगे बढ़ेगा और विकास करेगा। अच्छा, एक बात बताइए, आपने एक कम उम्र में, जो कि पहले भी मैं पूछ चुका हूँ, कम उम्र में बहुत कुछ आपने हासिल कर लिया, इसका गुणसूत्र क्या है? देखिए, इसका गुणसूत्र तो एक अलग बात है, आपने क्वेश्चन किया है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसा आपने क्या देखा कि पॉलिटिक्स को ही चुना और आप आज उस जगह पर पहुंच गए? हमने देखा मेरे परिवार में कोई भी राजनीति करने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं था, और हमें इस बात की रुचि थी कि हम समाज के बीच में जाएं, समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करें, और एक मन में अलग इस बात की जगी कि नहीं, हमें जो है राजनीति में ही आगे बढ़ना है, और जो समाज में फैला भ्रष्टाचार है, समाज में फैली अराजकता है, इसको खत्म करना है। राजनीति ही चुनी, आपने कॉलेज महाविद्यालय से अच्छी पढ़ाई भी करी, उसके बाद कभी आपका कुछ शोषण हुआ जो आपने ईगो को लेकर कभी राजनीति को लिया? नहीं, देखिए, कभी भी हमारा शोषण इस वजह से नहीं हुआ, ना ही हमारा होगा कभी, कि हम आम जनमानस के साथ, आम जनमानस के हित के लिए ही काम किया है।